नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल 37 पॉजिटिव मामले, विदेशों से लौटे 3 संक्रमितों के परिजनों का भी होगा कोविड टेस्ट। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 37 नए मामले आए। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 536 रह गई। हालांकि राहत की खबर है कि कोरोना से आज किसी संक्रमित की जान नहीं गई। उधर विदेश से हिमाचल लौटे कोरोना पॉजिटिव 3 लोगों के परिजनों के भी टेस्ट लिए जाएंगे। पॉजिटिव लोग परिवार के जिन सदस्यों से मिले हैं उनके भी टेस्ट होंगे। सभी लोग स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रहेंगे। ओमिक्रॉन की आशंका के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि विदेश से लौटे मंडी जिले के 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट कर दिया। ओमिक्रॉन की आशंका के बीच तीनों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए। फिलहाल तीनों लोग होम आइसोलेटेड हैं। उधर स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता का विषय बताया है। हिमाचल में बिगड़ा मौसम, मनाली और भरमौर में सीजन की पहली बर्फबारी, शिमला में शीतलहर। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते ही शुक्रवार को मनाली शहर और भरमौर मुख्यालय में सर्दी के सीजन की पहली बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में आ गया। शुक्रवार तड़के संजौली और नारकंडा में बर्फ के फाहे गिरे। पर्यटन स्थल कुफरी फिर सफेद हो गया। डलहौजी के लक्कड़ मंडी, डायनकुंडी, कोठी और रोहतांग भी बर्फ से लकदक हो गए। मैदानी जिलों में धुंध पड़ने से वाहनों की आवाजाही सुबह और शाम के समय प्रभावित हो रही है। कला विभाग अध्यापक की भर्ती के लिए काउंसलिंग का स्थान बदला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने कला अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग के स्थान में बदलाव किया है। पहले निर्धारित डाइट धर्मशाला के स्थान पर अब ये काउंसलिंग नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में होगी। काउंसलिंग 20 दिसंबर से शुरू हो रही है। काउंसलिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी। 20 दिसंबर को जिला कांगड़ा, 21 दिसंबर को जिला मंडी, कुल्लू किन्नौर लाहौल स्पीति, 22 दिसंबर को चंबा ऊना शिमला सोलन व 23 दिसंबर को हमीरपुर बिलासपुर सिरमौर जिले के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। वहीं उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा मोहिंद्र कुमार ने बताया कि किन्हीं कारणों के चलते काउंसलिंग के लिए निर्धारित स्थान में बदलाव किया गया है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, एक की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तेज रफ्तार ने एक युवक की जान ले ली। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हादसा जिला सिरमौर के पापना साहिब में देर रात भुंगरनी रोड पर हुआ। बताया जा रहा है कि धनीराम पुत्र सोहन निवासी मंत्रालिया और गौरव पुत्र वकील जन बाइक पर सवार होकर पापना साहिब की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान भुंगरनी रोड पर सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। रात करीब 10 बजे पुलिस को स्थानीय सिविल अस्पताल से हादसे के संबंध में सूचना मिली। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद हादसे की जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए, जबकि कार चालक मौके पर से फरार हो गया। घायलों को स्थानीय सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद धनीराम को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम आवास के आसपास बन गया कर्फ्यू जैसा माहौल, घरों से बाहर नहीं निकल रहे लोग। राजधानी में तेंदुए का खौफ कम नहीं हो रहा है। आए दिन शहर के अलग अलग हिस्सों में तेंदुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब सीएम आवास ओक ओवर के पास तेंदुआ नजर आया। शुक्रवार को सुबह से ही एक महिला ने तेंदुआ देखा। महिला सुबह ही जैसे ही बाहर निकली तो साथ ही झाड़ियों में तेंदुआ देखकर महिला वापस घर के अंदर भागी। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी रात को घरों के बाहर तेंदुआ देखा। तेंदुआ नजर आने के बाद आसपास के लोगों में खौफ का माहौल बन गया है और प्रशासन ने तेंदुआ पकड़ने की गुहार लगा रहे हैं। लोगों ने वन विभाग को इसकी शिकायत भी की है। सादे कागज पर मिलेगी सरकारी नौकरी, 14 पदों के लिए इंटरव्यू 10 जनवरी को। हिमाचल में अब नौकरियों का पिटारा धीरे धीरे खुलने वाला है। हर जिला और हर विभाग में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरे अवसर मिलने लगे हैं। इसी कड़ी में जल शक्ति विभाग चंबा उपमंडल की विभिन्न पंचायतों में 14 जल रक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जल शक्ति विभाग चंबा उपमंडल के सहायक अभियंता ने बताया कि जिन पंचायतों में जल रक्षकों की भर्ती की जानी है उसमें रजेरा गागला पंचायत में जल रक्षक के 2-2 और कुठेड़ रजेरा जांघी वैली करिया सराहन गुवाड़ कुम्हारका बाट लड्डू रिपीट लड्डू व उट्टी पंचायत में 1-1 पद भरा जा रहा है। MRI फिट करने के उपकरण लेकर आ रहा ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 2 घायल।
चंबा जोत मार्ग पर भनेरा के निकट एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में ट्रक चालक समेत दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इसके अलावा ट्रक में लदा सामान सड़क पर गिर गया, इससे काफी नुकसान हुआ। ट्रक पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा की MRI मशीन को फिट करने के उपकरण लेकर चंबा की ओर आ रहा था, जिसे चालक सोनू पुत्र बुधन निवासी गांव गौतमपुरी दिल्ली चला रहा था। उसके साथ ट्रक में मनोज कुमार पुत्र राजकुमार 2123 प्रेम नगर मार्केट नियर टियाग राज स्टेडियम मुबारकपुर दिल्ली भी सवार था। हिमाचल की पंचायतों को वीरेंद्र कंवर ने क्या दी सौगात, जानिए। प्रदेश में पंचायत स्तर पर मनरेगा के तहत खेल मैदान विकसित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण परिवेश की छिपी प्रतिभाओं को खेल के क्षेत्र में आगे आने के अवसर प्राप्त हों। इसके लिए स्थानीय पंचायतें भूमि का अपने स्तर पर चयन करेंगी। ये जानकारी ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शुक्रवार को राजगढ़ में 62वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के उपरांत उपस्थित खिलाड़ियों व स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए दिया। हिमाचल क्रिकेट टीम ने कर दिया ऐसा काम, हर तरफ लूट रही वाहवाही। हिमाचल क्रिकेट टीम के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। हिमाचल क्रिकेट टीम विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई और अपने पूल में टॉप पर है। अब उसका मुकाबला जयपुर में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मैच के विजेता से होगा। आपको बताते चले कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी हिमाचल की टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। हिमाचल प्रदेश टीम के हेड कोच भी प्रदेश के ही हैं। बिलासपुर के रहने वाले अनुज पाल दास आजकल अनुभव से हिमाचल क्रिकेट टीम को बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। ये पूर्व रणजी प्लेयर BCCI का Level 3 कोच है और बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर का रहने वाला है। वो 2008 में देवधर ट्रॉफी में उत्तर भारत की टीम के भी कोच रह चुके हैं। इस टीम में विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, ईशांत शर्मा, आकाश चोपड़ा, गौतम गंभीर जैसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद थे। शैक्षणिक सत्र 2022-23 का संभावित अकादमिक शेड्यूल तय। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 का संभावित अकादमिक शेड्यूल तय कर लिया। इसमें PG कोर्स और अपने संस्थानों के UG कोर्स की प्रवेश परीक्षा, काउंसलिंग कक्षाओं से लेकर परीक्षा और अवकाश की तिथियों के साथ पूरा शेड्यूल जारी किया गया। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। सत्र 2022-23 1 मई तक PG कोर्स की होने वाली प्रवेश परीक्षाओं और मेरिट आधार पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन से सत्र की शुरुआत होगी। छात्रवृत्ति की तिथि बढ़ी, 7 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन सैनिक कल्याण विभाग। पूर्व सैनिकों के बच्चों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए मिलने वाली सहायता राशि को आवेदन करने की तिथि 7 जनवरी तक बढ़ गई है। अब हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के बच्चे 7 जनवरी तक इस सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कसा तंज, बोले कांग्रेस में कौन है नेता प्रतिपक्ष। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिले के अचानक दौरे के दौरान जहां चिंतपूर्णी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत से चिंतपूर्णी के मोइन में मुलाकात की। रात्रि ठहराव के लिए वीरवार देर रात जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। शुक्रवार सुबह सीएम चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। ऊना में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष पर भी जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वर्तमान परिस्थिति यह है कि कोई ये नहीं बता सकता कि नेता प्रतिपक्ष कौन है और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जीत से ज्यादा कांग्रेस उत्साहित न हो। हिमाचल प्रदेश को बेचने की कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कौन कुछ बताए कि हिमाचल की कौन सी चीज बेची गई है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जनता को ये क्यों नहीं बताते कि उनकी कांग्रेस सरकार के समय शिमला की हजारों करोड़ रुपए की सरकारी प्रॉपर्टी और पर्यटन निगम का होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल बेचा गया था। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।